हाय फ्रेंड्स, मैं आरती, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आई हूँ ढाबा स्टाइल पालक पनीर, स्वादिष्ट रेसिपी। सर्दी के मौसम है और पालक भी सस्ते हो गए हैं, क्यों ना घर पर ही बनाएं पालक पनीर। आप मेरे इस ट्रिक को जरूर अपना कर देखें, तो ही आपको समझ में आ जाएगी ढाबा स्टाइल पालक ना टेस्टी कैसे बनते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर भी जरूर करें। तो चलिए आज की पालक पनीर की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ 500 ग्राम पालक को हम बॉईल करेंगे। पालक को मैं अच्छे से धोकर रखे हैं। एक बर्तन में मैंने पानी को भी उबाल लिया। इसमें आधी चम्मच नमक डालेंगे, साथ ही 1/4 चम्मच मीठा सोडा डालेंगे। पालक का कलर खिल के आएगी। पालक को डालेंगे, थोड़ा करके डालेंगे, बर्तन छोटा है, हो ही जाएगी। डाल दिए इसे, 2 मिनट बॉईल करेंगे, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा देर बॉईल करने से इसका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ 2 मिनट बाद पालक को निकाल लें, चिमटे की मदद से इसे निकाल कर छन्नी में रखेंगे। यहाँ एक बाउल में पानी रखे हैं हम, ये पानी बिल्कुल ठंडी है। ऐसे भी ठंड के मौसम में टैंकी का पानी बर्फ की तरह ठंड हो जाती है। अगर ठंडा पानी नहीं है तो आप इसमें बर्फ डाल सकते हैं। यहाँ मेरे पास थोड़ा सा बर्फ था, डाल दिए। अब पालक को डालेंगे, ठंडे पानी में डालने से इसका कलर चेंज नहीं होगा, एकदम ग्रीन ही रहेगी। अब इसे दोनों हाथों से दबा दबा कर निचोड़ लें, सारा पानी निकाल लें और मिक्सर में डालेंगे, थोड़ा सा फैला दें। अब जाएगा 2 हरी मिर्च। यहाँ 8 से 10 काजू को पहले से ही गर्म पानी में भिगो कर रखे हैं मैंने, इसे डाल दें, इससे स्वाद बहुत ही अच्छी लगेगी। अब थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें, इससे पालक का कलर बहुत अच्छी आएगी, बिल्कुल ग्रीन। अब इसे मिक्स करने के लिए हमने 1 कप पानी डालेंगे इसमें। मिक्सी करते वक्त अगर पानी कम हो तो आप थोड़ा पानी और डालकर पालक का पेस्ट बनाएं। यहाँ फाइन पालक पेस्ट बनकर रेडी है। कलर देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, ऐसा ही पेस्ट बना लेनी है। यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिए हैं, पीसेस में काट कर लिए। 1 प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर इसे भी काट कर लिए हैं। यहाँ कस्तूरी मेथी लिए, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चीनी पाउडर, 1 इंच अदरक घिस कर लिए, 5 से 6 लहसुन की कली घिस कर लिए हैं। यहाँ गरम पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे और 1 चम्मच तेल डालेंगे, जीरा डाल दें। जैसे ही जीरा चटक जाए घिसा हुआ अदरक डाल दें, लहसुन डालें, इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए हम प्याज डालेंगे। प्याज को ज्यादा नहीं भुनना है, बस कुछ सेकंड। अब हल्दी पाउडर डाल दें, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल दें, मसालों को चला लें। जैसे ही मसाला फ्राई हो जाए हम टमाटर डालेंगे, नमक डाल दें, चला लें और इसे ढक के 2 मिनट टमाटर को पका लेंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाएं। यहाँ टमाटर अच्छे से पक गए, इसे चम्मच से दबा दबा कर मैश कर लेंगे। यहाँ टमाटर को मैंने अच्छे से पका लिए हैं। अब पेस्ट किया हुआ पालक डालेंगे, इसे मिला लें। चलाते हुए हम इसे 5 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ 5 मिनट हम इसे पका चुके हैं, देख सकते हैं आप। जैसे ही पालक से तेल छोड़ना शुरू हो जाए, देखिए तेल छोड़ना शुरू हो गए हैं, तब हम पनीर डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इसे मिला लेंगे और ढक्कन लगाकर इसे लो फ्लेम में 5 से 7 मिनट पकने देंगे। 5 से 7 मिनट बाद ढक्कन खोलेंगे, चला लेंगे,
इसका स्वाद और भी बढ़ाने के लिए हम चीनी पाउडर डालेंगे और हाथों से क्रश करके कस्तूरी मेथी डाल देंगे। ऊपर से यहाँ मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ, आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। गैस बंद करेंगे तो लीजिए, यहाँ ढाबा से भी सुपर टेस्टी मजेदार पालक पनीर बनकर रेडी है। तो देखिए, है ना मजेदार रेसिपी, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।